नहीं, उनके पास कोई प्रूफ है कि कोई इस प्रकार के थूक रहे हैं या पेशाब कर रहे हैं या जो कुछ भी है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक तो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और फिर फेक न्यूज़ के आधार पर सांप्रदायिक राजनीति चलाते हैं और हर मौके पर जनता को विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये योगी सरकार का रिकॉर्ड है कि हर मुद्दे पर अपनी फेलियर को छिपाने के लिए वो जनता को बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं और ये उस बांटने वाले पॉलिटिक्स का एक मिसाल है। हमने तो पहले भी कहा कि ये डीरेल मंत्री है, ये रेलवे मंत्री डीरेल मंत्री है और इस कार्यकाल में जब मोदी जी इतने विकास की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन आम नागरिक जो रेलवेज में जा रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है और हर हफ्ते या हर 10 दिन में हम ये सुन रहे हैं कि ये रेल की दुर्घटना है। तो रेलवेज तो हमारे देश की एक प्रकार की लाइफलाइन है, आम मजदूर के लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए, जो गरीब है उनके लिए रेलवेज एक लाइफलाइन है और आज आप उस लाइफलाइन को इस रूप में कमज़ोर कर रहे हैं, मेंटेनेंस में भर्ती नहीं कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना लेकर वो हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कितने लाखों पद आज भी रेलवेज में वेकेंट है, विशेषकर मेंटेनेंस ऑफ लाइंस पर। तो ये तमाम नीति आधारित मुद्दे हैं जिसके लिए हम कहते हैं डी रेल मंत्री हैं। तमिलनाडु के गवर्नर ने संविधान पर शपथ ली और आज संविधान को रिप्लेस करना चाह रहे ये कह कर कि सेक्युलरिज्म एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है, विदेशी कॉन्सेप्ट है, इसे कभी संविधान को पढ़ा है? इन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ा है? गवर्नर बने बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बुनियादी ढांचा में सेक्युलरिज्म है। हमारे देश की संविधान सेक्युलरिज्म एक केवल शब्द नहीं है, सेक्युलरिज्म हमारे संविधान का एक आंतरिक, एक इंट्रिंसिक हिस्सा है। और गवर्नर ये कह रहे हैं इसका मतलब ये कल संविधान को ही फॉरेन कॉन्सेप्ट कह देंगे, संविधान को ही विदेशी कॉन्सेप्ट कह देंगे और संविधान की जगह वो क्या लाना चाहते हैं जो RSS ने पहले कहा, मनुस्मृति, जो सभी जानते हैं। और ऐसे लोगों को मोदी जी गवर्नर के पद की इतनी भारी जिम्मेदारी देते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे माननीय और आदरणीय जो प्रेसिडेंट है वो इसका सुओ मोटो नोटिस लेकर उस पर कुछ एक्शन ज़रूर करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं।